इंस्टाग्राम के यूजर नेम को गाइस आप लोग डेफिनेटली चेंज नहीं कर पाते हो, मतलब कि गाइस आप जब भी अपने इंस्टाग्राम पर कुछ भी लिखते हो, मतलब कि यूजर नेम की जगह कुछ भी अगर वहां पे टाइप करते हो तो गाइस आपका एक प्रॉब्लम आता है, मतलब कि यूजर नेम नॉट अवेलेबल या नॉट फाउंड, ऐसा कुछ टाइप का आपका वहाँ पे प्रॉब्लम। आप लोग बार बार ट्राई करने के बाद भी आपका इंस्टाग्राम का यूजर नेम चेंज नहीं कर पाते हो। लेकिन गाइस आज अगर ये वीडियो आपको शुरू से लेकर एंड तक अगर देख लोगे तो गाइस आपका इंस्टाग्राम का यूजर नेम इजिली चेंज हो जाएगा, और गाइस आपको भी पता भी कैसे चल जाएगा कि आप उसको बार बार भी चेंज। आप मोबाइल के स्क्रीन पर आया का प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, मोबाइल के स्क्रीन पर ले जाने के बाद ही कैसे आप अपने इंस्टाग्राम का जो मतलब कि यूजर नेम का प्रॉब्लम है जो आप लोग बार बार ट्राई करने के बाद भी आप चेंज नहीं कर पाते हो। तो उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करता प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस आप जो भी प्रॉब्लम आपको मतलब कि होता है आप मेरा मतलब प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, मैंने ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मतलब कि सॉल्व करा दूंगा। चलिए आप बोले चलते मोबाइल के स्क्रीन पर। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। एंड गाइस आप लोग गाइस इंस्टाग्राम के यूजर नेम को चेंज ही नहीं कर पाते हो, लेकिन गाइस आप मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो। गाइस मुझे इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरा यूजर नाम है ये वाला आप यहाँ पे शो हो रहा है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। तो गाइस अब बात करते हैं गाइस कि आपको इंस्टाग्राम के यूजर नेम नॉट फाउंड अवेलेबल, मतलब कि नॉट अवेलेबल जो आपका इंस्टाग्राम का यूजर नेम कोई भी डायल करते हो, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो मेरा यूजर नेम जो ये है। तो अब गाइस मैं यहाँ पे कुछ भी मतलब कि यहाँ पे नाम दे देता हूँ, तो गाइस आप यहाँ पे कुछ भी अगर नाम दे दिया तो गाइज मतलब कि यहाँ पे गाइज मेरा यूज़र नेम को नहीं लेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो दिस यूज़र नेम मैसेज इज़ नॉट अवेलेबल। तो गाइज इसको सॉल्व कैसे करना है गाइज आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, एंड गाइज ध्यान से देखना है। तो वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को एक लाइक कर देना प्लीज़, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट देखने के लिए आपको और कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सिंपली गाइज आपको क्या कैसे चेंज करना है मैं आपको पहले ज़्यादा समझा देता हूँ। तो गाइज आपको क्या करना है गाइज आपको मतलब कि कोई भी मतलब कि अगर आपका कुछ भी नाम है तो गाइज आपको क्या करना है सिंपली गाइज जो मतलब कि स्मॉल लेटर होता है आपको सिंपली स्मॉल लेटर लिखना है। एंड गाइज स्मॉल लेटर लिखने के बाद स्पेस अगर आप दे दोगे तो गाइज आपको स्पेस देने के बाद भी गाइज आपका इंस्टाग्राम का नाम यूज़र नेम चेंज नहीं होगा। तो क्या करना है उसके बाद ही जो आपका मतलब कि लास्ट नेम है गाइज आपको वहाँ पर सिंपली वो भी लास्ट नेम को भी आप यहाँ पे गाइस दे दोगे तब भी गाइस आपका इंस्टाग्राम का यूज़र नेम चेंज नहीं होगा। तो गाइस आपको इंस्टाग्राम का यूज़र नेम को चेंज करने के लिए मैंने पहले एक स्टेप समझा दिया कि मतलब आपको सबसे पहले गाइस आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, एंड गाइस बिना स्पेस दिए आपको लास्ट नेम को भी आपको यहाँ पर डायल करना है। उसके बाद गाइस अब आपको क्या करना है सिंपली गाइस कुछ मतलब आपको कुछ मतलब कि वर्ड्स अगर दे दोगे कुछ नंबर दे दोगे तो गाइस आपका इंस्टाग्राम का यूज़र नेम ईजिली चेंज हो जाएगा। तो अब मैं आपको लाइव प्रूफ चेंज करके दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं जैसे दे दिया तो गाइस देखिए यहाँ पे गाइस मतलब कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा, एंड गाइस इजीली आप इंस्टाग्राम के यूज़र नेम को यहाँ पे राइट कर दोगे तो गाइस आपका इंस्टाग्राम का यूज़र नेम चेंज हो जाएगा इजीली। तो गाइस कुछ इस तरह से मतलब कि आपको मतलब कि जो मैंने बता दिया सबसे पहले गाइस आपको मतलब कि स्मॉल लेटर में लिखना है, एंड गाइस सेकंड में कुछ नंबर देना है। जैसे इस तरह का कुछ करोगे तो गाइस आपका मतलब कि इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आसानी से आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो आई होप कि गाइस आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लियर बाय।